नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रवीण बंसल और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र अध्याय 11 अपूर्ण अभिलेखों से खाते, मतलब अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इस अध्याय के दो भाग हम पहले कर चुके हैं और उनमें हमने देखा कि यदि हमारे पास कुछ ऐसी सूचनाएँ हैं जिससे लाभ या हानि पता नहीं लगाई जा सकती, लेकिन हम उन सभी सूचनाओं को द्वे अंकन मतलब डबल एंट्री के रूल्स को इस्तेमाल करके लाभ या हानि पता लगा लिया करते थे। और उसके बाद हमने देखा यदि हम रोकड़ मतलब कैश अकाउंट लेनदारों और देनदारों के खाते भी बना लें तो भी हमें अपने लाभ व हानि खाता इत्यादि बनाने में मदद मिलती है। तो चलिए इसी तरीके के कुछ और उदाहरण सीख करके पता लगाएं कि इन अपूर्ण अभिलेखों से लाभ या हानि का ज्ञान कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने एक प्रश्न है, सुधा से प्राप्त सूचनाएं। इस सूचना से हमें यह पता लगाना है कि शुद्ध विक्रय कितना हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 1 अप्रैल 2005 को देनदार हैं 65,000 के और 31 मार्च 2006 को 50,000 के। तो आप इन दो जानकारी से ही यह देख पा रहे हैं कि आपके पास कुछ इनकम्प्लीट मतलब अधूरी सूचनाएं दी जाती हैं। तो अब इनका इस्तेमाल करके हम यह पता लगाएंगे कि पूरे वर्ष के दौरान, चालू वर्ष के दौरान हमने कितना विक्रय किया और देनदारों के साथ साथ हमारे पास एक और चीज प्राप्य विपत्र मतलब बिल रिसीवेबल यह भी हमको दिया हुआ है। तो अब जैसे हमने पिछले भाग में सीखा था कि इन विपत्रों और देनदारों या लेनदारों का आपस में संबंध होता है, क्योंकि विपत्र आपको लेनदार या देनदार से ही प्राप्त होते हैं। तो अब एक एक करके हम विपत्र खाता और देनदारों का खाता दोनों एक साथ बनाएंगे और सीखेंगे कि विक्रय कितना हुआ। देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि देनदार हमारे लिए एक एसेट है, तो चलिए दो खाते हमें बनाने होंगे, प्राप्य विपत्र खाता और देनदार खाता, डेटर्स अकाउंट और बिल रिसीवेबल अकाउंट। यह दोनों ही हमारे लिए एसेट हैं और एसेट की शुरुआत, परिसंपत्तियों की शुरुआत डेबिट साइड से की जाती है। तो यदि शुरुआत डेबिट से की जा रही है तो जाहिर सी बात है उसका अंत क्रेडिट साइड से किया जाएगा। तो एक एक जानकारी जैसे जैसे प्रश्न ने हमको दी है हम वैसे वैसे इन्हें अपने खातों में लिखते जाएंगे। आप सभी से भी मैं यह निवेदन करता हूं कि आप इन प्रश्नों को यहां सीखते हुए अपनी कॉपी या किसी भी पुस्तिका में अपने आप खाते बना रहे हैं और जैसे जैसे मैं प्रविष्टि कर रहा हूं साथ साथ में आप भी उसको लिख रहे हैं। ऐसे में आप यह जान पाएंगे कि कौन सा योग बैलेंसिंग है और किसका उपयोग कहाँ होगा। तो आप सभी एक एक करके खाता बना लीजिए, एक विपत्र खाता और एक देनदारों का खाता। जैसे आपने देखा सबसे पहली सूचना है 1 अप्रैल 2005 को देनदार, 1 अप्रैल 2005 अर्थात वर्ष के सबसे पहले दिन का शेष। तो यह हुआ ओपनिंग बैलेंस, देनदार मतलब डेटर्स मतलब एसेट परिसंपत्ति का ओपनिंग बैलेंस प्रारंभिक शेष, और परिसंपत्ति की शुरुआत डेबिट साइड से होगी। आरंभिक शेष 65,000 देनदार खाते में डेबिट साइड से। फिर उसके बाद 31 मार्च 2006 को देनदार मतलब देनदार का आखिरी शेष मतलब क्लोजिंग बैलेंस। तो बड़ी सीधी सी बात है, शुरुआत डेबिट से हुई है तो अंत
क्रेडिट पे ही होगा। ओपनिंग बैलेंस आपने लिखा डेबिट में, तो डेटर मतलब एसेट का क्लोजिंग बैलेंस आप क्रेडिट साइड पर ही लिखेंगे, जो है 50,000 रुपये। आप एक एक करके प्रविष्टि अपनी पुस्तिका में कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, 1 अप्रैल 2005 को प्राप्य विपत्र का आरंभिक शेष मतलब बिल रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस, प्राप्य विपत्र यह भी एक एसेट है क्योंकि हमें इनसे भी रकम वसूलनी है, तो यह हमारे लिए डेबिट से ही शुरुआत होने वाला एक खाता है क्योंकि यह भी और कुछ नहीं आपके लिए एसेट ही है। एसेट मतलब परिसंपत्ति ही है, और मैं बार बार एक ही बात आपको दोहरा रहा हूं कि परिसंपत्ति शुरुआत डेबिट से ही करेगी। 23,000 1 अप्रैल 2005 को। अब इसके बाद अगली चीज है, 31 मार्च को प्राप्य विपत्र का शेष 29,000 मतलब क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट, क्योंकि ओपनिंग डेबिट तो क्लोजिंग क्रेडिट। आगे चलते हैं। अब लिखा है अंतिम शेष देनदारों से नगद प्राप्ति, अंतिम शेष देनदारों से नगद प्राप्ति, देनदारों से प्राप्ति, तो यह देनदारों से प्राप्त राशि आपके देनदारों को घटा देती है। देनदारों को घटाने का मतलब एसेट का कम होना, और एसेट का कम होना मतलब क्रेडिट होना। नगद प्राप्ति 3,02,000, आपने नगद की प्राप्ति करी 3,02,000 देनदारों से, विपत्रों से नहीं, देनदारों से। जब आपने देनदारों से नगद प्राप्ति करी तो देनदार कम हो जाएंगे, एसेट कम हो जाएंगे, और एसेट को कम होना क्रेडिट साइड पर लिखना है। आप इसको और तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि आपको नगद प्राप्ति हुई है तो कैश अकाउंट हुआ होगा डेबिट, कैश अकाउंट हुआ होगा डेबिट, और देनदार का खाता होगा क्रेडिट। चलिए अगली प्रविष्टि पर चलते हैं। प्रदत्त बट्टा, इन्हीं देनदारों को आपने कुछ डिस्काउंट दे दिया, इन्हीं देनदारों को आपने कुछ डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट देने से भी ये देनदार कुछ कम हो जाएंगे। बट्टा प्रदत्त मतलब डिस्काउंट अलाउड, डेटर्स का कम होना मतलब क्रेडिट साइड पर जाना। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमें प्रश्न जानकारी दे रहा है हम उचित खाते में वह प्रविष्टि कर देते हैं। चलते हैं अगली प्रविष्टि पर। प्राप्य विपत्र से निगत, रिपीट, प्राप्य विपत्र से नगद प्राप्ति। अब यहां ध्यान दीजिए, नगद प्राप्ति हुई लेकिन विपत्रों से, बिल्स से नगद प्राप्ति हुई, तो बिल के खाते में आप यह प्रविष्टि करेंगे, 21,000 रुपये की नगद प्राप्ति हुई विपत्रों से, तो विपत्रों के खाते में क्रेडिट के स्तंभ में आपने एंट्री कर दी क्योंकि विपत्र कम हो जाएंगे, 21,000 रुपये। अब चलते हैं आगे। डूबत मतलब बैड डेट, बैड डेट का मतलब वह पैसा जो अब आप अपने देनदारों से वसूल नहीं पाएंगे। मैं दोहराना चाहूंगा, वह पैसा जो आप अपने देनदारों से अब वसूल नहीं सकते, देनदारों से, विपत्रों से नहीं, देनदारों से। तो आप सदा ध्यान रखिए, बैड डेट होना डेटर्स को कम करेगा, देनदारों को कम करेगा, विपत्रों को नहीं। 14,000 डूबत ऋण। अप्राप्य विपत्र अनादृत अर्थात 20,000 रुपये के विपत्र का आदर नहीं किया गया, इसका मतलब परिपक्वता पे जब हम इन राशि को लेने के लिए देनदारों के पास पहुंचे होंगे उन्होंने हमें कर दिया मना, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में होगा यूं कि आपका विपत्र
तो अनादरत हुआ ही, विपत्र तो कम हुआ ही, लेकिन क्या उन लोगों को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं? तो जवाब है ना। अब हम उन लोगों से पैसे नहीं लेंगे? जवाब है ना। वो विपत्र तो कैंसिल हो ही जाएंगे, लेकिन वह व्यक्ति विशेष जिसका विपत्र अनादृत हुआ है, डिसऑनर हुआ है, वह वापस हमारा देनदार बन जाएगा। तो यह प्रविष्टि बहुत ध्यान देने वाली है, इसके ऊपर आप खास ध्यान दीजिए। प्राप्य विपत्र अनादृत, इसको मैं नीली स्याही से लिखूंगा। 20,000 रुपये के प्राप्य विपत्र अनादृत हुए, अर्थात यह विपत्र डिसऑनर हुए। तो हम पहले विपत्र खाते में लिखेंगे 20,000, क्रेडिट में क्योंकि यह विपत्र कैंसिल हो गया। लेकिन विपत्र कैंसिल होने से रकम की वसूली नहीं हुई, रकम की वसूली करनी अभी बाकी है, इसलिए वह देनदार भी बढ़ेगा। और देखिए यह प्रविष्टि दो बार आई, विपत्र का अनादृत होना। अब चलते हैं अगली प्रविष्टि पर, नगद विक्रय। देखिए नगद विक्रय का क्या अर्थ है? हमने विक्रय किया और नगद की प्राप्ति की। नगद की प्राप्ति करना हमारे लिए किसी भी तरीके से ना तो विपत्र को बढ़ाता घटाता है, ना ही देनदारों को बढ़ाता घटाता है। यदि मैं रोजनामचे की प्रविष्टि के बारे में बात करूं, तो नगद विक्रय की जो प्रविष्टि है वह है कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो कैश और सेल्स, ना तो इसमें देनदारों का नाम आता है, ना इसमें विपत्र का नाम आता है। इस प्रविष्टि को मैं अभी कहीं अंकित नहीं करूंगा, इसका इस्तेमाल प्रश्न के अंत में होगा। अब देखिए अगली प्रविष्टि है विक्रय वापसी, 17,000 रुपये। यदि 17,000 रुपये के विक्रय की वापसी हुई है, तो इस चीज की प्रविष्टि देनदारों के खाते में होगी, ना कि विपत्र में। विपत्र आपके तब बनते हैं जब वह देनदार ना रहे, परंतु देनदार तो आपको सामान वापस कर सकता है। विपत्र कोई व्यक्ति नहीं, देनदार एक व्यक्ति है। 17,000 रुपये की विक्रय वापसी की जो प्रविष्टि है वह देनदार के खाते में आएगी। और ऐसी ऐसी एक प्रविष्टि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही की थी, वह थी डूबत ऋण, मतलब बैड डेट। तो बैड डेट हो, डिस्काउंट हो, या ऐसी कोई सेल्स रिटर्न हो, ये प्रविष्टियां आपके देनदार के खाते में आती हैं। विक्रय वापसी 17,000। तो आपने देखा एक एक करके प्रविष्टियां हमने संबंधित खातों में अंकित करी। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए आप प्रश्न में दी गई सभी जानकारी एक एक करके लिख चुके हैं। तो जब आप विपत्र प्राप्य या देत, मतलब बिल रिसीवेबल या बिल पेबल खाता बना रहे हैं, देनदार या लेनदारों का खाता बना रहे हैं, तो इन दोनों को ही आपने बैलेंस करना होता है। अब सवाल ये है कि इन दोनों खातों में से पहले बैलेंस कौन होगा? तो जवाब है कि पहले बैलेंस विपत्र का खाता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए विपत्र के खाते में जमा पक्ष, मतलब क्रेडिट साइड का जो योग है वह है 70,000 रुपये। अब 70 में से जब हम 23,000 को घटाते हैं तो हमें 47,000 रुपये प्राप्त होते हैं, और यह डेबिट साइड पर शेष राशि बचती है। किस खाते के? विपत्र खाते के डेबिट साइड पे 47,000 रुपये की राशि शेष है। विपत्र के डेबिट मतलब
विपत्र का बढ़ना, विपत्र बढ़ते कब हैं? सवाल यह है कि विपत्र बढ़ते कब हैं? तो जवाब है कि विपत्र बढ़ते हैं डेबिट से। लेकिन विपत्र बनते कब हैं? विपत्र तो देनदारों से ही लिए जाते हैं, विपत्र तो देनदारों से ही लिए जाते हैं। तो यह शेष राशि भी बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल है। देखिए कैसे, जब विपत्र बना तो वह देनदारों को तो कम कर ही गया होगा, जब विपत्र बना तो वह देनदारों को कम कर जाता है। याद कीजिए उस वक्त रोजनामचे में क्या प्रविष्टि होती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, प्राप्य विपत्र डेबिट, देनदारों के खातों से क्रेडिट। तो देनदार कम हुए तभी तो विपत्र बढ़े, तो विपत्र बढ़े और देनदार क्रेडिट। आपने दो नीली स्याही की यहां पे प्रविष्टियां देखी और इन दोनों एंट्री को हमने दो बार करा, एक विपत्र को बनाने की प्रविष्टि और दूसरी विपत्र के डिसऑनर होने की प्रविष्टि। विपत्र बना तो विपत्र बढ़ा और देनदार घटा, और इससे पहले आपने क्या देखा, विपत्र का डिसऑनर होना, इसका मतलब विपत्र का घटना और देनदारों का बढ़ना। तो इस तरह हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कंप्लीट किया है डबल एंट्री के रूल्स लगा करके। अब देखिए, देनदार के खाते में 4,38,000 रुपए का जमा स्तंभ का योग आया और यही योग हमने नाम के स्तंभ में भी लिख दिया, परंतु यहां का योग सिर्फ 85,000 रुपए है। अब इस 4,38,000 में से आप ये 85,000 घटाते हैं तो आपको 3,53,000 रुपए देनदारों के खाते में डेबिट में दिखाई पड़ते हैं। देनदारों के खाते में डेबिट में कुछ दिखाई पड़ना, इसका मतलब क्या है, देनदार बढ़ रहे हैं, और देनदार बढ़ते कब हैं, जब आपने विक्रय किया हो परंतु उधार पे किया हो, क्योंकि वह देनदार बने हैं। तो यह 3,53,000 रुपए विक्रय हैं, परंतु कैसा विक्रय, उधार, क्रेडिट सेल्स, 3,53। आप देखिए इस 3,53,000 के योग को, 3,53,000 के योग को निकालने के लिए हमने यह पूरा प्रश्न किया, क्योंकि प्रश्न की मांग कुल विक्रय, शुद्ध विक्रय जानना था। तो कुल विक्रय कितना हुआ, शुद्ध विक्रय कितना हुआ, 2,25,000 का नगद विक्रय आपको दिया हुआ था, 3,53,000 का आपने उधार का विक्रय पता लगाया, और प्रश्न में 17,000 रुपए की विक्रय वापसी भी थी। तो यह योग बना 5,61,000 रुपए, और इस तरह आपने अपूर्ण अभिलेखों से कुछ खाते पूरे किए। इसी को कहते हैं अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इस तरह यह अध्याय समाप्त होता है, और आप सभी से निवेदन है कि आपकी पाठ्य पुस्तक में इस तरह के बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, आप सभी उनका अभ्यास करें। धन्यवाद।